ये कहानी एक ऐसे लड़के के बारे में है जो कि अपनी खुद की मॉम से ही काफी ज्यादा ऑब्सेस्ड हो जाता है। और अब इस कहानी में आगे क्या होने वाली है, ये हम आज की मूवी द रूम जो कि 2019 में रिलीज हुई थी उसमें देखने वाले हैं। कहानी की शुरुआत में हमें एक लविंग कपल को दिखाया जाता है जिसमें कि वाइफ का नाम कैटरीना यानी कि केट और हस्बैंड का नाम मेट होता है, जो कि एक नए घर में शिफ्ट हो रहे थे। जब वो लोग अपना सामान अरेंज कर रहे थे तभी मेट को एक अजीब सा रूम मिलता है जिसमें बहुत सारे वायर्स उलझे हुए थे। मेट एक इलेक्ट्रिशियन को बुलाता है। इलेक्ट्रिशियन बोलता है कि उसने अपनी लाइफ में पहली बार ऐसी मशीन देखी है, हालांकि वो कोशिश करेगा कि वो उसे ठीक कर दे। जाते समय इलेक्ट्रिशियन क्वेश्चन करता है कि क्या आप लोग यहाँ बहुत दूर से रहने आए हो। मेट के हाँ कहने पर वो बताता है कि यहाँ के पहले ऑनर की डेथ हो गई है और किसी ने उनका मर्डर किया था, तो थोड़ा संभल कर रहिएगा। अब मेट अपने बेडरूम में जाकर उस केस के बारे में रिसर्च करता है जहां उसे जॉन नाम का एक क्रिमिनल मिलता है। हालांकि जॉन के खिलाफ कोई प्रूफ नहीं थे, बट हाँ वो भी एक सस्पेक्ट था। इसके बाद मेट एक रूम में जाकर शराब पीने लगता है और वो कहता है कि काश मेरे पास एक और बॉटल होती। और तभी लाइट फ्लिकर करती है और उसके पास वाकई में एक बॉटल आ भी जाती है। सुबह केट उठकर बहुत सारे सामान को देखती है तो केट मेट से पूछती है कि तुम ये सब कहाँ से लेकर आए, जिस पर मेट उसे कहता है कि तुम्हारा जो भी विषय तुम मांग लो। केट कहती है कि फिलहाल तो मुझे एक जॉब की जरूरत है। मेट कहता है कि तुम्हें जॉब नहीं बल्कि कोई सामान मांगना है, कोई चीज। केट मजाक मजाक में कहती है कि ठीक है मुझे $1,000 चाहिए। और तभी लाइट फ्लिकर करती है और वाकई में उसके पास $1,000 आ भी जाते हैं। अब मेट उसे समझाता है कि ये रूम हमारी विशेष को पूरी करता है। अब इन दोनों में काफी ज्यादा ग्रीड आ जाता है और ये लोग बहुत सारे विशेष मांगते हैं जैसे कि पैसे, ज्वेलरी, ड्रेसेस, और दोनों काफी इंजॉय करते हैं और ऐसे ही जिंदगी बिताने लगते हैं। एक दिन मेट केट को सरप्राइज देना चाहता था। वो एक कमरे को बहुत अच्छे से सजाता है और एक बेबी पालना विश में मांगता है। उसे लगा था कि केट ये सब देखकर बहुत खुश होगी, बट इसका उल्टा ही हो जाता है। केट बहुत ही सैड हो जाती है। दरअसल उनके दो बच्चे पहले ही मर चुके थे। डॉक्टर ने कहा था कि उन दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों उनका बच्चा बार बार मर जा रहा था। केट बहुत सैड हो जाती है और वहां से चली जाती है। अब एक बच्चे की चाह उसके दिल में जाग गई थी। एक दिन जब मेट घर से बाहर होता है तो वो उस रूम में जाकर एक बेबी बॉय को विश में मांग लेती है। जब मेट को पता चलता है तो वो बहुत गुस्सा होता है। वो कहता है कि हमें ऐसे बच्चा नहीं चाहिए था, हम ट्राई कर सकते थे। वो कहता है कि इस बच्चे को वापस करो। वो केट को किसी तरह से समझाता है, लेकिन जब वो लोग उस रूम में जाते हैं तो वो बच्चा बहुत जोर से रोने लगता है और दोनों में से कोई भी उस बच्चे को वापस नहीं कर पाते। अब केट उस बच्चे को अपने साथ रखती है और उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखती है। इधर मेट उस केस को स्टडी कर रहा था जहाँ जॉन ने अपने एक स्टेटमेंट में कहा था कि उसे ये सब करने पर उस रूम ने मजबूर किया है। जॉन मेंटल असाइलम में था। मेट उससे मिलने मेंटल असाइलम चला जाता है जहाँ जॉन उसे ज्यादा कुछ नहीं कहता, बस इतना कहता है कि जितनी जल्दी हो सके उस घर को छोड़ दो। वापस आते समय मेट की गाड़ी की पेट्रोल खत्म हो जाती है। जब वो पेट्रोल के लिए पैसे निकालता है तो वो देखता है कि वो पैसे राख में बदल चुके हैं। मेट जल्दी से घर आता है और एक पेंटिंग जो उसने विश में मांगी थी वो पेंटिंग को उतार कर उसका हाफ पार्ट घर के बाहर और हाफ पार्ट घर के अंदर रखता है, जहां वो देखता है कि घर के बाहर वाली पार्ट राख में बदल चुकी है और अंदर वाली बिल्कुल सेफ है। इससे वो समझ जाता है कि इस घर में मांगी हुई चीज इस घर तक ही रहेगी और बाहर ले जाने पर उसकी एजिंग हो जाएगी और बहुत जल्दी वो राख में बदलकर मिट्टी में मिल जाएगा। अब मेट उस घर को एक्सप्लोर करता है जहां वो देखता है कि वो घर ईंटे पत्थर से नहीं बल्कि वायर्स से बनी हुई है। इधर केट उस बच्चे को बाहर घुमाने लेकर जाती है जहां मेट उसे रोकता है, लेकिन वो नहीं सुनती और उस बच्चे को बाहर लेकर चली जाती है। अब हम देखते हैं कि वो बच्चा बाहर जाकर अजीब से जलने लगा है। केट बहुत डर जाती है, वो मेट को आवाज लगाती है। अब मेट जल्दी से उस बच्चे को वापस घर में लेकर आता है जहां हम देखते हैं कि उस बच्चे की एजिंग हो गई है और वो 10-12 साल का हो गया है। मेट केट को सारी बातें बताता है। अब केट उस बच्चे का और भी ज्यादा ध्यान रखने लगी थी। उसने सारी खिड़की दरवाजे को अच्छी तरह से लॉक कर दिया था ताकि वो बच्चा, जिसका नाम उन्होंने शेन रखा था, शेन बाहर ना जा पाए। हालांकि शेन को सबके साथ रहना काफी अच्छा लगता था, लेकिन पिछले 3 महीनों से घर में बंद होकर वो बहुत बोर हो गया था। अब वो बाहर जाने की जिद करता है। केट के मना करने पर वो गुस्सा भी करने लगा था। इसी वजह से मेट और केट के बीच लड़ाइयां भी होने लगी थी। मेट को बच्चा ज्यादा पसंद नहीं था, हालांकि वो उस पर ज्यादा गुस्सा नहीं होता था, लेकिन हाँ वो उसे अपने सामने देखना भी नहीं चाहता था। एक दिन शेन घूमते घूमते उस विश मांगने वाली रूम में चला जाता है और ऐसी विश मांगता है कि घर को बिल्कुल बाहर वाली दुनिया जैसे बना दो। पेड़ पौधे सभी आ जाते हैं और ये बिल्कुल बाहर वाली दुनिया जैसे बन जाता है।
अब शेन बहुत ही खुश हो जाता है और वहां जाकर खेलने लगता है। मेट और केट जब रूम से बाहर आते हैं तो केट तो बहुत खुश होती है कि हाँ मेरा बच्चा खेल रहा है, लेकिन मेट बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। वो उस बच्चे को रूम से बाहर निकाल कर रूम लॉक कर देता है और केट पर भी काफी ज्यादा गुस्सा होता है। वो कहता है कि तुम इस बच्चे को लेकर काफी ज्यादा ऑब्सेस्ड हो गई हो, देखना एक दिन ये बच्चा हमारे लिए कोई खतरा जरूर बनेगा। अब उनके लैंडलाइन पर एक फोन आता है जो कि जॉन का होता है। मेट जब कॉल पिक करता है तो केट भी दूसरी तरफ से उन दोनों की बातें सुनती है, जहां जॉन कहता है कि तुमने एक बच्चे को मांग लिया, तुम्हें पता है मैं भी एक रियल इंसान नहीं हूँ, मेरी माँ ने भी मुझे मांगा था, क्या तुम जानते हो इस एजिंग को कैसे स्टॉप कर सकते हैं? तुम्हें उस बच्चे के बदले किसी का सेक्रीफाइस देना होगा। मेरी माँ ने भी पहले मेरे डैड को मारा, फिर जबरदस्ती खुद को मुझसे मरवाई। तुम्हारे बेटे शेन की भी एजिंग रुक सकती है, वो भी बाहर जा सकेगा, लेकिन बदले में तुम्हें किसी का सेक्रीफाइस देना होगा। अब तुम डिसाइड करो मेट, तुम्हें तुम्हारा बेटा शेन चाहिए या फिर तुम्हारी वाइफ केट। केट ये सब सुनकर बहुत दुखी होती है और गाड़ी लेकर कहीं चली जाती है। वो बहुत परेशान थी, इसलिए मेट के बार बार कॉल करने पर भी वो उसका कॉल रिसीव नहीं कर रही थी। इधर शेन मेट के पास आता है और उससे पूछता है कि मेरी मॉम कहाँ है। मेट कहता है कि वो बाहर गई है, थोड़ी देर में वापस आ जाएगी। शेन काफी गुस्सा था, वो बार बार उससे एक ही सवाल किए जा रहा था। वो कहता है कि मेरे रियल डैड कहाँ है, आप मेरे रियल डैड नहीं हो, आपने उन्हें भी मार डाला है ना। इस सबसे मेट काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो उसे सारी सच्चाई बता देता है। वो कहता है कि तुम इंसान हो ही नहीं, तुम तो एक चीज हो, हमने तुम्हें मांगा है। तुम्हें पता है हम तुम्हें बाहर क्यों नहीं लेके जाते? क्योंकि तुम बाहर जाओगे तो तुम जल जाओगे, तुम्हारी एजिंग होने लगेगी और 2 मिनट में तुम बच्चे से जवान, जवान से बूढ़े और फिर मिट्टी में मिल जाओगे। शेन को उसके बातों पर बिलीव नहीं होता, वो कहता है कि आप झूठ बोल रहे हो। अब मेट घर का दरवाजा खोल देता है और उसे बाहर जाने के लिए कहता है। वो कहता है कि तुम्हें 3 महीने पहले की कोई भी मेमोरीज याद है? नहीं ना, मैं बताता हूँ क्यों नहीं, क्योंकि एक दिन केट तुम्हें बाहर लेकर गई थी और तुम इतनी जल्दी इतने बड़े हो गए। वो शेन पर बहुत ज्यादा चिल्लाता है। अब शेन काफी दुखी हो जाता है और रोते रोते अपने कमरे में चला जाता है। अब मेट को अपनी गलती रियलाइज होती है कि उसने एक छोटे से बच्चे पर इतना चिल्लाया। वो जाकर उसे माफी मांगता है तो शेन उसे एक कहानी सुनाने को कहता है। अब मेट उसे एक कहानी सुनाता है और दोनों साथ में सो जाते हैं। कुछ देर में जब केट वापस आती है तो वो दोनों को एक साथ सोते हुए देखती है तो वो बहुत ज्यादा खुश होती है, क्योंकि पहली बार मेट उस बच्चे के साथ था। अब मेट भी जाग जाता है और केट के पास आता है और बहुत दिनों के बाद आज दोनों इंटीमेट होते हैं। और शेन चुपके से ये सब देख रहा था। सुबह होने पर वो उनके कमरे में आता है, वो गेट की चाबी लेकर गेट खोलकर बाहर चला जाता है। जब मेट और केट को पता चलता है तो वो जल्दी से बाहर आते हैं। वो देखते हैं कि शेन अब बड़ा हो चुका है, वो एक अडल्ट बन चुका है। अब एक बार फिर मेट और शेन में बहस हो जाती है और झगड़े में केट को चोट लग जाती है और वो नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। उसे जब होश आती है तो वो देखती है कि मेट उसके सामने है। मेट उसे बताता है कि झगड़े झगड़े में उससे गोली चल गई और शेन मर गया। उसने शेन की बॉडी को बाहर रख दिया है और अब वो राख में बदल चुका है। केट बहुत रोती है। इधर हम देखते हैं कि जहां इन दोनों का झगड़ा हुआ था वहां मेट बेहोश पड़ा था और उसे होश आ रही थी। इसका मतलब ये था कि हमने जिसे केट के सामने देखा वो मेट नहीं बल्कि शेन है, जिसने ये विश मांगी थी कि वो दिखने में मेट जैसा हो जाए, और अब वो केट के साथ था और वो तो उसका असली घर भी नहीं था। जैसे शेन ने पहले विश मांगकर फॉरेस्ट बनाया था, वैसे ही उसने विश मांगकर एक वैसा डुप्लीकेट घर भी बनाता है। अब शेन केट से ऑब्सेस्ड हो चुका था, वो अब मेट बनकर उसके साथ रहना चाहता था। इधर मेट को होश आता है तो वो केट को हर जगह खोजता है पर केट उसे नहीं मिलती। वो समझ जाता है कि ये सब जरूर शेन कर रहा है। वो उस रूम में जाता है तो वो रूम लॉक था। अब वो किसी तरह से वायर को काट काट कर दूसरी तरफ निकलता है। इधर केट को भी शक हो रहा था कि उसके सामने मेट नहीं बल्कि शेन है, पर अब शेन काफी ज्यादा ऑब्सेस्ड हो चुका था, वो केट के साथ जबरदस्ती भी करता है। तब तक मेट भी पहुंच जाता है, असली मेट। वो खिड़की तोड़कर घर के अंदर आ चुका था। अब शेन को आवाज आती है, वो वहां से उठकर भाग जाता है। वो वहां से उठकर मेट के पास चला जाता है। अब केट उठकर जैसे ही रूम के बाहर आती है तो वो देखती है कि उसके सामने मेट है। वो उसे कहता है कि जल्दी करो मेट, हम यहां से भाग जाएंगे। तभी उसके सामने पीछे से भी एक मेट आता है। वो कहता है कि केट मैं असली मेट हूँ, चलो मेरे साथ चलो। केट को अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी पीछे वाला मेट कहता है कि चुम्बा, मतलब ये एक निकनेम था जो कि असली मेट केट को बुलाया करता था और इस बारे में सिर्फ यही दोनों जानते थे। केट को अब समझ आ गया था कि ये असली मेट है। वो शेन को धक्का देकर वहां से भाग जाती है। अब शेन गिरकर बेहोश हो जाता है और अपने असली रूप में आ जाता है। इधर ये दोनों यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो हर बार घूमकर उसी घर में आ जाते थे।
वो समझ जाते हैं कि जरूर शेन उनके साथ कोई गेम खेल रहा है, वही ये सब विश मांग रहा है। इसीलिए अब वो दोनों भी एक विश मांगते हैं और उनके डुप्लीकेट्स को शेन के सामने भेज देते हैं। शेन गुस्से में जाकर डुप्लीकेट मेट को मारता है। तभी वो खिड़की से बाहर देखता है कि असली मेट और केट वहां से भाग रहे हैं। शेन उनके पीछे भागता है, लेकिन अब वो दोनों उनके पुराने वाले असली घर में वापस आ चुके थे। और दौड़ते दौड़ते शेन और मेट दोनों घर के बाहर चले जाते हैं। मेट को तो कुछ नहीं होता, बट शेन की एजिंग होने लगती है। वो घर के अंदर आने की कोशिश करता है, लेकिन केट दरवाजा नहीं खोलती। शेन बाहर से काफी चिल्लाता है कि मॉमी मुझे अंदर आने दो। केट अंदर काफी रो रही थी, पर वो दरवाजा नहीं खोलती। कुछ ही मिनट्स में शेन बूढ़ा होकर राख में बदल जाता है। अब हम देखते हैं कि एक महीने बीत चुके थे और वो लोग एक छोटे से मोटेल में रह रहे थे। मेट बाहर से केट के लिए कॉफी लेकर आता है, लेकिन केट दरवाजा नहीं खोलती। और हम देखते हैं कि केट प्रेग्नेंट हो चुकी थी। वो शेन के बच्चे से प्रेग्नेंट थी, क्योंकि शेन ने उसके साथ जबरदस्ती किया था। और एक बार फिर लाइट फ्लिकर करती है, मतलब उस रूम में जो भी कर्स था या जो कुछ भी था वो उनके साथ यहाँ तक आ गया और अब वो कभी नहीं मिटेगा। एंड इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।